treatment or stimulating vagus nerve at various points so that your whole body is good. इसका एक छोटा सा प्रोसीजर है, कमर को टेढ़ा नहीं करना, इसको सीधा करना है एंड सी ऑन द ऑपोजिट साइड. प्लीज करिए, इसको करेंगे तभी फायदा होगा, शर्माइए मत. ओके, तो इसको थोड़ा ऐसे करके सी ऑन द ऑपोजिट साइड 30 सेकेंड्स आपसे होल्ड करें. प्लीज कम स्लोली बैक, आराम से हमें हमें झटका नहीं देना है. ठीक है, और इसको अपोजिट साइड पे कर दीजिए, अपोजिट साइड पे 30 सेकंड. 72,000 जस्ट रिमेम्बर. तो जहां पे इसको आप स्टिमुलेट करोगे इट विल इफेक्ट ऑल द ऑर्गन्स. नापी थोड़ी करना मगर ऐसे थोड़ा करो. दूसरा इसका प्रोसीजर ये है कि नापी के ऊपर एक हाथ रख के दूसरा हाथ जस्ट इसके ऊपर, ये पसलियों के जस्ट नीचे, रिब्स के जस्ट नीचे, इसको समझ लीजिए. आपको पता नहीं आप क्या चीज कर रहे हो. एक्सरसाइज 30-40 टाइम्स करिए. ओके, रिलैक्स. फ्रॉम हियर फोर फिंगर्स डाउन इसके नीचे यहाँ. ठीक है, तो बिहाइंड द फूड पाइप एंड विंड पाइप देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड थाइमस ग्लैंड. इट जनरेट्स टी फोर सेल, टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट इज ए पार्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स का जो मेन पोर्शन है वो है आपका टी लिम्फोसाइट, टी फोर सेल. और आपको पता है कि HIV में, इंफेक्शन में, टी फोर सेल इज ओनली थिंग विच इज डिस्ट्रॉयड. The T4 cells are so important that your immunity will be because of this T4 cells only. So this thymus gland, इसको God's gland भी कहा जाता है. इसके बारे में बहुत ज़्यादा research नहीं हुई है, but spirituality में इसके बारे में काफी बात की जाती है. ठीक है, और इसके बारे में एक और बताऊँ कि NASA has done a lot of research on this. There are 124 cells in this. इस आपके थाइमस ग्लैंड में 124 सेल्स हैं विच नेवर डाइज, वो अमर है. और अभी नासा बहुत ज्यादा उसके बारे में बता नहीं रहा है, बट दे आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस. इफ दे आर एबल टू रेप्लिकेट इट देन सुपर ह्यूमन विल बी बोर्न विच नेवर डाइज. दिस सेल्स नेवर डाइज आई एम सेइंग. बट इसकी खासियत है कि जनरेट्स T4 सेल्स. लेकिन इसकी एक और प्रॉब्लम है कि After 20 years of age, this it stops generating T4 cells. तो जितने भी T4 cell होते हैं, they get generated before 20 years of age, or 15 years of age. After that, this cell, this thymus gland starts shrinking.
थोड़ा कम रोशनी हो जाता है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि यू नो आई एम ए शिव योगी ऑल्सो एंड आई एम ए रिकी मास्टर ऑल्सो, रिकी ग्रैंड मास्टर. So in that we have read that if you tap it, if thymus gland is tapped, T4 cells will be generated. Very simple process. आप अपना हाथ ऐसे बनाइए, ठीक है? तो ये आपका center of the chest, just tap it. पहले प्रेस पहले देख लीजिए उसको. आप में एक बार करेंगे थोड़ा रुकना है, थोड़ा ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do it for मतलब आपको 6-7 days करिए. You will be different person. You will be flying in there. आप में इतनी एनर्जी होगी, इतना कुछ होगा, आप हैरान रह जाओगे कि from where the energy has come in me. You will fly like a Milka Singh actually. I'm telling you. Very slow. इसको पूर्व क्रिया भी कहा जाता है. पूर्व यू अंडरस्टैंड है, टार्टाइस. टार्टाइस जो है गर्दन को ऐसे करता रहता है. इट्स लॉन्ग लिविंग इज 400 इयर्स. अब मैं आगे क्या बताऊंगा. तो इफ यू कीप ऑन डूइंग इट, इसलिए हमेशा हाँ करना है. ऑफिस में नहीं, घर में नहीं. If you keep on saying, I'm like time me there, otherwise I don't told about it. Next, when you inhale, move your head towards the right. Haath apne idhar, both hand towards this, and jo tangen hai wo andar ki taraf. See, head towards the right, hand towards the outside. ठीक है, रोटेट टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड फीट टूवर्ड्स द इनसाइड. ठीक है, बट इनहेल, व्हाइल इनहेलिंग दिस हेड हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, एंड हैंड इनसाइड एंड योर फीट टूवर्ड्स द आउटसाइड. इट्स इज सच अ इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं. वन पर्सन फ्रॉम सीआरआई, ही केम टू मी, ही सेड दैट ही हैज अ लॉट ऑफ बैक पेन. And his shoulders was completely frozen. And he was paining a lot in his back. And he was not able to walk also. He came to me, please tell me something. So I gave him this exercise. I think same day he started walking. And then after that, he didn't have this problem. He said, this is a Ram one form. It's a complete body exercise. It's called Kaya Kriya. Next. क्या बोल रहे हैं? इस है एम मतलब हूं और आर है. चलिए, जैसे लाइफ इज व्हाट लाइफ इज ब्यूटीफुल. लोग कहते हैं अरे यार जिंदगी बेकार हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं है. प्लीज चेंज योर एटीट्यूड. से लाइफ इज ब्यूटीफुल. से वाइफ इज One is not there. Why you are laughing? Why is this? More good. Money is good. Money is precious. Money is good. Is ये word जो है ना is very important. ये आप कहाँ use करते हैं? इसको properly use करना. Health is wealth. Very good. Next. बोलिए. I am perfect. I am strong. बोलिए. I am strong. I am powerful. I am loving. I am harmonious. I am happy. I am happy. I am young. बोलिए ना. I am young. I am blissful. I am blissful. I am prosperous. I am prosperous. Aajkal am shabd kitna important hai. I am. So important. It will change your whole attitude. How you pronounce this attitude? Blessings are? Precious. Blessings are many. Bahut sari blessings hai. Aap bataiye kitni blessings hai. Bhai hawa aapke liye free hai charo taraf. Aapke andar bhi hawa, bahar bhi hawa hai. Free hai sab kuch. Hai na? सूरज की एनर्जी है, हर अंदर भी है, बाहर भी सब कुछ है.
तो अदर थिंग इज पार्टीज आर पार्टीज आर गुड इज फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स कुछ बोलिए फ्रेंड्स आर Friends are best. Okay. Everything in the body, which are generated, one is neurotransmitter and the other one is neuropeptides, the third one is hormones. Sara khel nahi ka hai, shareer ke andar. Reason kuch aur ho sakta hai, but main thing, jo effects hai, unke ye hai. Next. Ye hamare brain cells hai, let us say. BB means brain cells. Theek hai? ब्रेन सेल्स बेसिकली सारा खेल ब्रेन सेल्स में हो रहा है थॉट प्रोसेस जो है कि आपका सपोज करो आपको कोई टेंशन आया यू हैड सम टेंशन तो न्यूरो ट्रांसमीटर आया उसका कि भैया ये आपका स्ट्रेस या ये प्रॉब्लम है नो दैट थॉट प्रोसेस हैज कम एंड इट हैज कम बिटवीन टू ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स नो इट विल बी ट्रांसमिटेड ये बाकी ब्रेन सेल में भी ट्रांसमिटेड होगा And ultimately, whole body will be transmitted, whole brain cells. Now, brain cell will say, I think there is some emergency, and then it will give some signals to your hypothalamus gland and pituitary glands. Pituitary gland, in response to that stress or strain, it will generate peptides, neuropeptides. It is basically proteins. Now, what protein will happen? It will through your neuron, it will go to the blood cells, and it will go to that particular cells. That organs, then organ will generate again hormones. Hormones kya? Whether you will be feeling good or bad. The bad or good feeling will be after you get the hormone. वो बोले मेरा hormonal imbalance हो गया, मेरा ये हो गया. Basically, if you control the thought process, if the thought process is controlled, then all these neuropeptides, neurons, and your hormones, everything will fall in place. तो यू हैव टू कंट्रोल मतलब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ देयर इज अ बिग थ्योरी बिहाइंड दिस एक्चुअली साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी देयर इज अनदर ब्रांच सो इन दैट इट इज कम्प्लीटली इट इज बेसिकली ऑल केमिकल उसको बोलते हैं हमारे केमिकल लोचा यू नो एक 3 इडियट्स मूवी आई थी तो जैसे ब्रेन में केमिकल लोचा चलता रहता है तो वही बेसिकली है तो मैं I am bold, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, young, blissful, and happy. Okay, that's never eulogize poverty, disease, pain. Have your thought and then say your particular organ. Please get healthy. It will be healthy actually. सपोज करो किसी के नी में पेन है जस्ट कलेक्ट योर थॉट एंड देन सेंड दोस पॉजिटिव फीलिंग्स टू योर नीज एंड से दैट यू हैव टू गेट हेल्दी इट इज स्टार्ट गेटिंग हेल्दी यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्ड इट विद योर पॉजिटिव थॉट्स इट इज स्टार्ट हैपनिंग Next. Is perpetually renewed. My entire being. My entire being. Is ever young. Is ever young. And new. New. Because nature permits no cell. Because nature permits no cell. To remain in my body. To remain in my body. More than few months. More than few months. When it builds. A new one. In its place. Nature gives me a new body every year. Gives me a new body every year. आपको हर सब जो मैंने बोला था लिविंग सेल्स ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ माय बॉडी आर इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड आर इंटेलिजेंट ये आपकी बात तो सुनते हैं ऑल द जीन्स ऑफ द सेल्स दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट दे लिसन टू यू आप जो बोल रहे हो ना वो एक एक सेल आपको सुन रहा है एक एक जीन आपको सुन रहा है चलिए ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ माई बॉडी All the living cells of my body are intelligently directed and making all the cells and making all the cells and healthy and in turn are making my in turn of making my tissues organs and organs optimally functioning and organs optimally functioning and healthy I am perfectly healthy strong powerful energetic and happy
हैप्पी बढ़िया है ना. इंसोमेनिया इज अ वाइड स्प्रेड डिजीज इन ओबेडियंस. उसका मेन कारण पता क्या है? ब्रेन हमारा जो है, जो ब्रेन है ये दो तरह के हार्मोन जनरेट करता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन. दिन में काम करने के लिए मेलाटोनिन जरूरी है टू स्टे अवेक एंड डू वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली एक्टिविटीज. मेलाटोनिन इज इम्पोर्टेंट. लेकिन रात को सोने के लिए जैसे 10-11 बजते हैं तो उसको अंधेरा चाहिए. इट नीड्स डार्कनेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड, डार्कनेस इज दी ट्रिगर फॉर हैविंग अ स्लीप. सोना है तो आपको कमरे में डार्कनेस करना ही पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है आज की जनरेशन में, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ तो आप लैपटॉप लेके बैठे होते हैं या टीवी चल रहा होता है या आपका मोबाइल चल रहा होता है, अगर आप सो रहे हैं तो आपकी वाइफ बेडरूम में मोबाइल लेके बैठी होगी, अगर वाइफ सो रही है तो आप मोबाइल लेके बैठे होंगे. ठीक है, ये और बच्चों का भी यही हाल है. इसलिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि माइंड कह रहा है कि हमें डार्कनेस चाहिए और आपने लाइट ऑन कर रखी है तो नींद कभी नहीं आएगी. दिस इज अ मेजर काज, क्योंकि उसको सेरोटोनिन जनरेट करना चाहिए और जनरेट क्या कर रहा है वो, बिकॉज ऑफ लाइट, मेलाटोनिन. नाउ इट विल स्टे अवेक, और एक बार 12-1 बज गया तो उसके बाद तक का नहीं इसका डिस्टर्ब डिस्टर्ब है कि नहीं. तो कहने का मतलब है कि यू दो तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सोने से पहले 1 घंटा पहले यू हैव टू कीप योर मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टीवी अवे फ्रॉम यू. रूम हैज टू बी कंप्लीटली डार्क. ठीक है, देन आप देखिए ये देखा मैंने, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस टीवी एंड देन आई चेंज माई एटीट्यूड ऑन दिस. मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना ये मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. मैं कोई हवा में थ्योरी नहीं दे रहा हूँ आपको. व्हाट एवर आई एम डूइंग दैट आई एम टेलिंग यू, नो नॉनसेंस थ्योरी आई एम गिविंग. ठीक है, तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि रात को डार्कनेस करके नींद अच्छी आती है, प्लीज डू इट, आप करके देखिए इसको. बिल्कुल घोड़े बेच के सोएंगे आप. नेक्स्ट, ये एक करवानी थी एक्सरसाइज लेकर, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा टाइम है नहीं तो आपके वैक्यूम में मुझे. और भगवान जो है वो हमेशा जो है रिलैक्सेशन में ही, आपको जो ऊपर वाले की अनुभूति होती है वो सिर्फ रिलैक्सेशन में ही हो सकती है, कर्म कांड में ही हो सकती है. मतलब आप जो जो से ब्रीदिंग कर रहे हैं वो जब रिलैक्स, ब्रीदिंग इज ए व्हीकल, ये आपको रिलैक्स कर रहे हैं. जैसे रिलैक्स होंगे एज सून एज यू गेट रिलैक्स्ड यू विल स्टार्ट फीलिंग इट, वो आपके अंदर वो उसका मतलब तो उसका आना जो है वो शुरू हो गया है. इट जस्ट डिसेंड इन यू. गेजी थर्ड, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक. ये बताते हैं यहाँ पे ध्यान करिए, कोई ये यूं ही नहीं कहा जाता है, ये बहुत अच्छा भी है बहुत खतरनाक भी है एक्चुअली. तो ये कहते हैं कि इसको सो आज्ञा कहा जाता है, यू नो दैट व्हाई इज कॉल्ड आज्ञा. ये यहाँ पे अगर आपने ध्यान लगाना शुरू कर दिया तो ये यहाँ से आप जिसको भी आज्ञा देंगे दैट ही विल स्टार्ट वर्किंग एज पर दैट. यू विल बिकम द मास्टर एंड अदर्स विल बिकम दे गो एज फॉर यू. मगर अगर ये थर्ड आई आपका डेवलप हो जाए तो अगर मैं सोचूंगा जो ये कि आप ऐसा करिए तो ही विल स्टार्ट डूइंग दैट. एक्चुअली जो मैं चाहूंगा वो जो मटेरियलाइजेशन चाहूंगा इट स्टार्ट हैपनिंग, दैट इज व्हाई दिस इज आज्ञा. थ्रू दिस आज्ञा चक्र डेवलपमेंट इफ यू इंस्ट्रक्ट योर बॉडी के प्लीज गेट हेल्दी इमीडिएटली गेट हेल्दी एक्चुअली इट्स सो पावरफुल. बट इसको थोड़ा मतलब बहुत ही अंडर गाइडेड और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में ही करना ठीक रहता है. सीइंग द वंडर्स इन ऑल, ये भी एक तरीका है मेडिटेशन का. सब में एक ही वननेस है. सी द वननेस इन ऑल क्रिएशंस. नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा तरीका है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है. जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, ये सबसे बढ़िया है कि नहीं भाई? बैठ गए और कुछ नहीं करना, ये बहुत डिफिकल्ट है. ये जितना आसान लग रहा उतना आसान है नहीं. जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग 5 मिनट नहीं कर बैठ पाओगे आप. यू नीड समथिंग टू एंगेज.
नेक्स्ट सिर्फ सुन के मत जाइएगा, प्लीज डू कुछ करिए, समथिंग यू हैव टू डू। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।